मेरा नाम हरीश वर्मा। ये पूरे भारत में ये रैली चल रही है, रथ यात्रा जो सहजयोग की है, और ये 100वीं वर्षगांठ जो है श्री माता जी निर्मला देवी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, ये उस उपलक्ष्य में चल रही है। पूरे भारतवर्ष में ये पूरे एक वर्ष चलेगी, 21 मार्च 2022 से लेकर के और 21 मार्च 2023 तक ये पूरे भारतवर्ष में चलेगी। ये सन 1970 से श्री माता जी ने सहजयोग की शुरुआत की, तब से ये चल रहा है और लगभग 140 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें चल रहा है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। श्री माता जी ने एक विज़न रखा है, जो उनका सपना है कि हर इंसान आनंद में जीवन जिए और उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करे, और वो केवल प्राप्त कर सकता है सहजयोग ध्यान के द्वारा, क्योंकि यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए हमें कोई रुपया पैसा नहीं देना, जैसे हम सांस लेते हैं हमें कोई पैसा नहीं देते, तो वैसे ही हमें ये ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उसको कैसे एक्टिवेट रखना है, एनर्जाइज रखना है, वो श्री माता जी ने बताया है कि कुंडलनी जागृति के माध्यम से ही वो संभव है। और ये एक आम जनमानस को कैसे वो उपलब्धि मिल सकती है वो माँ ने बताया है। पहले प्राचीन काल में ये होता था कि किसी साधु संत में से किसी एक व्यक्ति को ये कुंडलनी शक्ति की जागृति की उपलब्धि मिलती थी, लेकिन माँ ने कहा है कि सर्वसाधारण रूप से एक गृहस्थी में जीवन में रहते हुए हम इस उपलब्धि को पा सकते हैं। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे और उसकी अनुभूति स्वयं प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से हम चाहते हैं कि ये जो आनंद हमने लिया है ये आप भी लें। तो मेरा नाम हरीश वर्मा। ये पूरे भारत में ये रैली चल रही है, रथ यात्रा जो सहजयोग की है, और ये 100वीं वर्षगांठ जो है श्री माता जी निर्मला देवी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, ये उस उपलक्ष्य में चल रही है। पूरे भारतवर्ष में ये पूरे एक वर्ष चलेगी, 21 मार्च 2022 से लेकर के और 21 मार्च 2023 तक ये पूरे भारतवर्ष में चलेगी। ये सन 1970 से श्री माता जी ने सहजयोग की शुरुआत की, तब से ये चल रहा है और लगभग 140 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें चल रहा है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। श्री माता जी ने एक विज़न रखा है, जो उनका सपना है कि हर इंसान आनंद में जीवन जिए और उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करे, और वो केवल प्राप्त कर सकता है सहजयोग ध्यान के द्वारा, क्योंकि यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए हमें कोई रुपया पैसा नहीं देना, जैसे हम सांस लेते हैं हमें कोई पैसा नहीं देते, तो वैसे ही हमें ये ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उसको कैसे एक्टिवेट रखना है, एनर्जाइज रखना है, वो श्री माता जी ने बताया है कि कुंडलनी जागृति के माध्यम से ही वो संभव है। और ये एक आम जनमानस को कैसे वो उपलब्धि मिल सकती है वो माँ ने बताया है। पहले प्राचीन काल में ये होता था कि किसी साधु संत में से किसी एक व्यक्ति को ये कुंडलनी शक्ति की जागृति की उपलब्धि मिलती थी, लेकिन माँ ने कहा है कि सर्वसाधारण रूप से एक गृहस्थी में जीवन में रहते हुए हम इस उपलब्धि को पा सकते हैं। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे और उसकी अनुभूति स्वयं प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से हम चाहते हैं कि ये जो आनंद हमने लिया है ये आप भी लें।